सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जा कै हिरदय वसया तू करते ता की तैं आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण तूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निदान सुखदाते स्वामी, सब ते ऊच बड़ाई। परम सत्कार योग सतगुरु जी दी साजी नवाजी होई साध संगत जी, गुरफतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे दर तों वरसाए होए महापुरख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तत् बेते राजे जोगी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहिब वाले महापुरख, जिन्हां दा पवित्र जीवन आप जी सरवण करदे आ रहे हो, महापुरखां दे भगती दे प्रताप सदका राड़े दी ढक्की दे विच जो रौनकां लगियां, जो जंगलां दे विच मंगल लगे, उस दे संबंध दे विच आप जी विचार सरवण कर रहे हो। महापुरश राड़े दी ढक्की दे विच जिस वेले अपना निवास रखते हैं, भगती कर रहे हैं, तो इस इलाके का वातावरण जिहड़ा है वो बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि जिहड़े संगत करन वाले संगी लोग हैं, वो महापुरशां दे दर्शाए मार्ग के उत्ते चलण की कोशिश करते हैं। अमृत वेले खूहां दे उत्ते डोल खड़कण लग पए, गुरुद्वारियां दे विच ढोलकी चिमटे नाल आसा दीवार दे कीर्तन होण लग पए, और आसे पासे दे नगरां दीआं संगतां हर रोज शाम नूं कथा कीर्तन दे समें डेरे आ के हाजरी भरदियां। खास करके कटारी ते कणगसां दे कई शरधावान प्रेमी हजूरी विच रह के सेवा दा लाभ प्राप्त करदे। कणगसां नगर दा डॉक्टर सरूप सिंह, इस दा सपुत्र मेजर पूरन सिंह, जो पहला पटियाले संत महाराज जी का हम जमाती सी, ये सारा परिवार तो संत जी का अत्यंत श्रद्धालु बन गया। 1930 ईस्वी बसंत पंचमी नूं इन्हां दी लड़की बेअंत कौर का विआह सी, ते दाखे नगर तो बरात आउणी सी। सरदार गुरबख्श सिंह जो स्कूल की पढ़ाई दे समें पटियाले संत जी महाराज का हम जमाती सी, उस दे नाल बरातियां तो अलावा पंथ दे महान विद्वान पंडित करतार सिंह जी दाखा वो भी आए। पंडित करतार सिंह जी ने भावें अजे तक संत जी महाराज का दर्शन तो नहीं सी कीता, पर अस्थान की मर्यादा अते हजूर का पावन जस जरूर सुनिया सी। कणगसा नगर इलाके दे प्रेमी दे घर वालियां तो संत जी महाराज की महिमा सुन के दर्शन करन दी इच्छा प्रगट हो आई। सियाल दा मौसम सी, सूरज दी उभार नाल सवखते ही 5-7 शरीरां नूं अपने नाल लै के ढक्की वल आ गया। इधरों श्री हजूर महाराज रोज़ दे नियम अनुसार अमृत वेले 1 बजे इशनान करन तो बाद नाल दे जग्यासू प्रेमियां समेत नहर दे कंढे राड़े वाले पासे उच्चे टिब्बे दी ढाब ढक्कां दे विच परमेश्वर दी याद विच लीन बैठे सन। पंडित जी ने पास आके एक सिंह तो पुछया, जो थोड़े जे फांसले दे उत्ते टहलदा नितनेम दी बाणी दा पाठ कर रहा सी। पंडित जी पुछण लगे कि संत जी महाराज दा दर्शन हो सकदा है, तां उन्हें कहा जी हजूरीए सेवादार तों पुछ लवो।
उस समय संत जी महाराज की सेवा दे विच बाबा नार सिंह भुट्टे वाला वह सेवा दे विच हाजिर सी। जदों उन्हां तों आके पुछिया तां उन्हां ने उत्तर दिता तुहानूं दर्शनां वास्ते थोड़ा जिहा समां उड़ीक करनी पवेगी क्योंकि संत महाराज नूं समाधि विच बैठिया कोई बुला नहीं सकता। जदों अपनी मौज विच आ के गड़बे दा कुंडा खड़का के इशारा करनगे फिर असीं पास जा सकते हाँ। जदों पंडित जी नूं बैठिया अद्धा कु घंटा हो गया फिर हजूर महाराज ने सेवादार नूं इशारा किया, उसने पास आके नमस्कार करके पंडित करतार सिंह जी वल्लों बेनती की। संत जी ने आग्या दे दित्ती ते पंडित जी नूं पास बुला लिया। इन्हां ने अगे जा के नाल आए सज्जना समेत नमस्कार की, उपरंत परस्पर भावना दे नाल मिल के बचन बिलास शुरू किए। एक दो प्रेमियां ने अर्ज की, महाराज ये संस्कृत दे महान विद्वान पंडित हैं। तां हजूर महाराज मुस्करा के कहन लगे कि पंडित तां परमेशर नूं कहिंदे आ, पढ़िया पंडित आप थिया। बड़ी चंगी गल है जेकर विद्या पढ़ के उसका निशाना समझ लिया हो गया। पंडित जी कहन लगे, महाराज असी तो केवल अखरां दे ही ज्ञानी हाँ, जो गुरबाणी दे विच पंडित दे लक्षण कथन किए हैं सो पंडित जो तिहां गुणा की पंड उतार है। इस गल तो असी काफ़ी दूर बैठे हाँ। तो संत जी महाराज कहिंदे विद्या पढ़नी बहुत चंगी है, विद्या नूं मनुख दा तीसरा नेत्र कथन किया है, पर जेकर शब्द की कमाई की जाए तो फिर सोने ते सुगंधी वाली गल बन जाती है। उंज संस्कृत नूं देवबाणी मन्निया है, पर कलयुग के समय उम्र छोटी ते दिमाग कमजोर होण करके इस तों पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला तो 12 साल व्याकरण के पढ़न दे विच बतीत करके फिर शब्द की शुद्धि अशुद्धि का केवल पता ही लगता है। उपरंत 30-40 साल की तकड़ी मेहनत नाल चंगे दिमाग वाला कुछ हासिल कर सकता है, पर वो हासिल भी केवल अपने वास्ते कर सकता है। स्रोतियां नूं तां फिर भी उसनूं पंजाबी दे विच अर्थ करके दसना पैंदा है। गुरबाणी जो है वह सुखैन अते महान पुन रूप है, थोड़े समय दे विच ही वड्डे सिधांत जो जिंदगियां लगा के भी प्राप्त नहीं हुंदे गुरबाणी दी विचार दे नाल अते शब्द सुरत दे अभ्यास द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह होर भी काफ़ी वचन बिलास होए। तकरीबन 20-25 मिनट पंडित जी संत जी महाराज के दर्शन करते ते वचन सुनते रहे। अभ्यासी पुरश के बचना का हरेक के मन के उत्ते कुदरती असर पै ही जाता है। फिर ये तो पढ़े लिखे सियाने विद्वान पंडित सन, ये बहुत प्रसन्न होए। हजूर दे चेहरे का तेज प्रताप देख के पंडित जी ने संकोचवें शब्दों में बेनती की, महाराज भावें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में जिंदगी का काफ़ी हिस्सा बतीत मैं कर दिता है, पर जो अज मैनू पूर्ण शांति ते परम आनंद की मस्ती चढ़ी है ये मैं अगे कदे महसूस नहीं की। मैं ज्योतिष के ग्रंथों के नाल भी अध्ययन किया है ते ज्योतिष के अनुसार जो तुहाडे चिहन चक्कर दस रहे हैं कि आप जी का गुप्त होकर बैठण का समा नहीं है। आप जी ने तो हवाई जहाजा राही देशां दिशांतरां विच गुरु नानक की बाणी का प्रचार करना है। तो संत जी महाराज मुस्करा के कहन लगे, कहिंदे पंडित जी असीं तां प्रवृत्ति नूं जीवन मुक्ति दे आनंद विच
अड़का जान के एकांत स्थान लभ्या है। तुसी फिर भी साडे मन नूं बख्शेपता च पाउणा चाहुंदे हो तां इहनां अर्ज कीती, महाराज मैं अपने वल्लों कुछ नहीं कह रहा, ज्योतिष दे ग्रंथां अनुसार आप जी दे जो चिहन चक्कर हन ये दस रहे हन। आप जी दे पासों तां निरंकार ने बहुत कुछ कराउणा है, स्कूल बनने हन, कॉलेज बनने हन, हस्पताल बनने हन, लाइब्रेरियां अते होर बेअंत गुरस्थानां दी सेवा, ये काम आप जी ने जरूर करने हन। पर हत्थां दीआं उच्चियां तलियां ये उदारता दा सूचक हन। आप जी दे दर ते आया सवाली कोई खाली नहीं मुड़ेगा, पर आप जी रहोगे सदा निर्लेप। हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे शहरां विच आप जी ने गुरमत का प्रचार करके टुटियां हुई सुरतां नूं निरंकार नाल जोड़ना है। ये बचन सुन के संत जी महाराज चुप कर गए, क्योंकि पता सी ये जो कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है, असी ये कुछ करांगे। पर उस समय वैराग दी मूर्ति, त्याग दा नमूना, सेवा द्वारा शरीर नूं कीता होया किरस, ये सारा कुछ तक के इस गल दे विच देखण वाला संसा मनदा है। कुछ समय तो बाद पंडित जी नमस्कार करके इत्थों ही वापस घणगसा नगर नूं चले गए। संत जी महाराज स्थान ते चले गए। इस तों उपरंत एक वारी फिर पंडित जी राड़े साहब दर्शन करन आए। सो एक श्री हजूर संत बाबा अतर सिंह जी महाराज उन्हां दे ज्योति जोत समाउण तों बाद बाबा जी तो वरसाए हुए बहुत सारे महापुरश प्राम हो के रेरू साहब तो तीर्थां दी यात्रा करन लई चले गए सी। उन्हां विचों जिन्हां जिन्हां दी संत ईशर सिंह जी महाराज ते शरदा सी ओह राड़े दी टक्की दे विच हजूर दे कोल रहन लग पए। इसे तरह एक आनंदपुर कलौड़ दा बुद्ध सिंह नाम करके एक बजुर्ग सी जो वड्डे संत जी संत अतर सिंह जी महाराज तो वरसाया होया बहुत बंदगी वाला गुरमुख सी। उन्हां दी हजूरी विच रेरू साहब बाहरली बगीची की सेवा करता सी, जिथे संत जी महाराज गुफा दे विच रात दे वक्त कुछ क समा अते दुपहर का प्रशादा छकण तो बाद दिन नूं आराम करते सी। इसने महापुरशां दे शरीर हुंदिआं ही गुरु घर की सेवा अते सिमरन करदिआं चंगी अवस्था प्राप्त कर ली। अते जो हम सहरी सो मीत हमारा दे वाक अनुसार सेवा भगती ते प्रीतवान साधुआं नाल ही बहुता हित करदे। जदों संत जी महाराज नूं राड़े की ढक्की विच आया, अजे थोड़ा ही समा होया सी, तां इन्हां नूं भी पता लग गया, जिस करके ये भी संत जी दे कोल ढक्की दे विच राड़े भी राड़े साहिब ही आ गए। भावें शरीर काफ़ी बिरध होण करके कमजोर भी हो चुकिया सी, पर परमात्मा दे प्यार दे विच जिवें गुरबाणी कहिंदी है, अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए, जो रत्ते सहे अपने तिन भावै सब कोय। रब्बी सिमरन भी एक एहो जिहा नशा है जिसनू एक वारी आ गया वह फिर छड नहीं सकता। राम रसायण जोरते नानक सच अमली। सवेरे संत जी महाराज के नाल ही जदों होर संगत इशनान कर दी तां इन्हां ने भी उठ के इशनान कर लेना, उपरंत सूरज चढ़े तक एक रस ध्याता ध्यान का अभाव करके केवल धेय रूप ही बन के समाधि स्थित रहना। गर्मी की रुत्ते भी दोपहर के समय प्रशादा छक के जदों होर संगत संत जी महाराज के नाल टिब्बियां ते बैठदी नाल ही चले जाना। वड्डे महापुरशां दे वार
अते ऐस समय इन्हां दी घालणा तक के जो आने वाले समय की भविखत वार्ता अनुभव द्वारा प्राप्त होनी उसनू कई बारी अपने अंदरों बाहर कढ़ण दा यतन करना पर मन विच फिर संकोच करना कि इन्हां नू भी तो पता ही है क्यों काफ़ी समा लंघ गया हिरदे अंदर दसण दा ख्याल बनिया रहा जिस दृश्य नू एकांत विच बैठिया नेता प्रति कई दिन तकदे रहे सी अज उसनू दसण वास्ते दोपहर के समय छोटे संत जी महाराज संत किशन सिंह जी दे कोल जाके अर्ज कीती कि महाराज मैनू बड़े संतां नू मिला दिओ मैं उन्हां नू मिलना चाहुंदा हाँ। तां छोटे संत कहण लगे उन्हां ताईं तेरा की काम है जे किसी चीज़ की लोड़ है तो सानू दस दिओ। इसने फिर अर्ज कीती महाराज मेरे अंदर जो वार्ता कई दिनों तो मैनू अनुभव द्वारा दिस रही है उसनू उन्हां दे कोल जाके मैं दसना चाहुंदा हाँ। तां छोटे संत जी महाराज हस के कहण लगे कहिंदे फिर सानू ही दस दिओ। वो कहिंदे इदां नहीं मेरे नाल चलो समा पा के जिथों तक स्थान ने तरक्की करनी है मैं वो नाल फिर के तुहानू दस दिंदा हाँ कि इत्थे किहो जी सुंदर रचना होनी है जो मैनू दिस रहा है मैं वो तुहानू दसण की कोशिश कर सकदा हाँ। संत जी कहण लगे बाबा जी तुहाडा शरीर बिरध है गर्मी दे मौसम दे विच इस वेले धुप च औखे होवोंगे इत्थे खड़े खड़े ही दस दिओ। तां उसने संत जी नूं नाल लिया राड़े पिंड वल उच्चे टिब्बे ते खड़े हो के कहण लगे देखो जी इधर 2 मील बिलासपुर दे पुल तक इधर 2 मील खटड़ियां दे पुल तक ये सारा इलाका तुहानू दे दिता 4 मीलों दे विचकार रौनकां ही रौनकां हो जाणियां ने नहर दे कंढे भी बहुत बड़ा स्थान दृष्टि आ रहा है उस दे विच सुनहरी कलस लगे हुए ने जो गुरद्वारा है इस दे गेट ते दर्शनी ड्योड़ी उच्चा घंटा घर होर भी बहुत सारी रचना बनेगी। इदां काफ़ी समा वचन करता रहा जो जो वार्ता होनी सी सारी दसी। संत जी महाराज संत किशन सिंह जी कहन लगे कहिंदे बाबा जी इन्ना वड्डा काम चलू किदां असी तां निवृत्ति विच रह के प्रसन्न हाँ पर विरती सानू चाहीदी नहीं। तां उह गुरमुख कहन लगे कहिंदे तुहानू कादा फिक्र है जो बनाऊगा वो चला भी देगा वो संभाल भी लवेगा तुहाडी दोहां संतां दी जो परालब्ध है वो बहुत प्रबल है जेकर तुसी रकड़ां जंगलों के विच भी चरण पा देवो तां उत्थे भी दिनां विच ही महल बन जाणगे जे स्थान ते हुण सरवाड़ खड़ी दिस रही है काही खड़ी दिस रही है इत्थे तां पक्कियां सड़कां दा चौंक बाजार बनूगा गऊं मझां घोड़े बगियां गड्डे गड्डियां बसां ट्रक ये सब मैनूं दिस रहे हैं इत्थे बसां नहीं कारां वास्ते गैरज स्कूल लाइब्रेरी कॉलेज हस्पताल ये सारियां गल्लां तुहाडे हत्थों हो के रहणियां ने। हुण तां जिथों दी लंघियां दिन दे समें भी मुसाफर डरदा है ये सारा जंगल आबाद हो जाएगा इहदी चप्पा चप्पा धरती इन्नी महंगी हो जाएगी कि किसी नूं मुल दे के खरीदनी भी औखी होगी। ये मैं सही अते ठीक वचन आखे हन हुण भावें तुहाडे मनण विच ना आ रहे होण पर फिर एक साध वचन अटलादा ये तो फिर तुहानूं निश्चा हो जाएगा। इदां आख के टिब्बे तों हेठां उतरे शाम होई दोहां संतां दे कोल उहनां गुरमुखां ने बेनती कीती महाराज मैनूं आग्या बख्श दिओ मैं रेरू साहब जाना चाहुंदा हाँ
क्योंकि हुण मेरा अंत समा नेड़े आ गया है ते मैं जो शरीर है वह रेरू साहब ही त्यागना चाहता हाँ। संत जी ने उत्तर दिता, महापुरशो तुसी तां दोही जहानी सदा ही आजाद हो, सुतंत्र हो, बस साढ़े ते खुशी रखनी। एदा आग्या पा के दूसरे दिन रेरू साहब गुरद्वारे आ गए। इत्थे एक दिन ठहरे, दूसरे दिन अमृत वेले इशनान कीता, आप वस्त्र बदल के गुरु दरबार विच पुज गए। भावना दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकिया अते समाधि स्थित हो गए। आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करदिआं दरबार साहिब दे विच बैठिआं ही शरीर त्याग दित्ता। इतनी कमाई दे मालक ते बंदगी वाले वो गुरमुख प्यारे सन, क्योंकि रेरू साहब वाले महापुरशां दी संगत विच रह के उन्हां दे बचनां दी कमाई कीती सी बाबा बुद्ध सिंह जी ने, जिस सदका उन्हां नूं बहुत महापुरशां दी खुशी अते सेवा सिमरन दी उन्हां दे अंदर बहुत बरकत सी। ये भजन सिमरन की कृपा ही सी कि थोड़े समय विच ही इस पावन धरती की खुशबो चंदन के बूटे वांग दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि कोई दिखावा नहीं सी, केवल सच्चाई ही सी। बुढ़ा जवान चाहे कोई भी इत्थे रहायश रखने वाला सज्जन सी, हरेक नूं रात के 2 बजे लाजमी उठना पैंदा सी। इशनान करके चाहे गर्मी होवे चाहे सर्दी होवे, बाहर नहर के कंढे बैठ के शब्द सुरत के मेल द्वारा एक रस चौंकड़ा मार के सूरज चढ़ते तक सिमरन करना। फिर रात के 11 बजे तो पहला कदे पैण नहीं सी देंदे, आराम नहीं सी करन देंदे। गर्मी होवे चाहे सर्दी, सबना ने ठंडे जल के नाल इशनान करना। पर जे कोई शरीर करके ढिला होवे, बीमार होवे, उस दे उत्ते ठंडे जल नाल इशनान करन दा कानून लागू नहीं सी। अस्थान दे रहायशी सेवादारां चों शाम तो ही 2 प्रेमी वारी नाल रात नूं पहरा दिंदे, वह भी आपस दे विच कोई गलबात नहीं सी करदे, केवल फिर तुर के सिमरन करदिआं अपना समां बतीत करदे सी। 2 बजे घंटी वजा के सब नूं जगा देंदे, संगत इशनान करन लग जांदी अते 2 घंटे फिर ये आराम कर लैंदे। इन्हां दी जिम्मेवारी एक वारी जगाउण दी ही हुंदी। जेकर सुत्ता सज्जन इन्हां दी आवाज़ देण ते एक वार बोल के फिर सौं जावे तां उस दे बिस्तरे उपर लेटे ते ही ठंडा पानी पा दित्ता जांदा। बाहरों आए साधु बिहंगमां या यात्रुआं नूं केवल 2 दिन की छुट्टी होंदी। 2 दिनों तो बाद उन्हां नूं दस्या जांदा कि चाहे तुसीं किन्ना समा इत्थे ठहरो तुहानूं कोई रोक नहीं, पर इत्थे दे असूलां दे पाबंद रहना पवेगा। 2 समें कथा कीर्तन विच हाजरी, अमृत वेले दा जागना, लंगर दी घंटी समें पंगत विच आउणा, इत्यादिक सारे नियम जिहड़े ने दसे जांदे। जेकर कोई इन्हां दी पालना ना करदा तां उहो ही असूल इन्हां दे उपर भी पाणी सिट्टण वाला सो वो वरत्या जांदा। इउं सही ढंग दे नाल भजन सिमरन अते कथा कीर्तन ते लंगर दी मर्यादा एक रस तुरी गई, जिस करके अस्थान दी जिहड़ी शोभा सी वह दूर दूर तक फैल गई। कई सज्जण तां इत्थों दी केवल मर्यादा देखण वास्ते ही आउंदे, कई अपने आप नूं अभ्यासी अते अतीत अखवाउण वाले त्यागी बरागत कुछ दिन ठहर भी जांदे, क्योंकि हर एक नूं इत्थे जल पाणी ते लंगर दी सहूलत मिलदी सी। ना किते पिछिआं नूं जाणा पैंदा सी ते ना आप अग बालणी पैंदी सी। बंदगी वास्ते नहर दा कंढा अते टक्की दे विच एकांत स्थान, इदां दी सुंदर रचना ते सब सहूलतां हरेक थां मिलदियां किथे सन।
पर जो साध संगत तो बिना कल्या रह के कठिन साधन करने, इस दे नाल मनुख दे अंदर माण भी आ जाता है। संगत विच एक दूजे नूं सवेरे उठद्यां देख के सेवा ते सिमरन दे विच लग्या जाण के अंदर दी हौं जिहड़ी है वह मरी रहिंदी है। पर अपने आप जल धारे करने, धूणियां तपणियां, होर लोक दिखावे वास्ते शरीर ते कष्ट झलना, यह तामसी तप है। इस दे नाल संसार दे विच प्रतिष्ठा होण लग जाती है, जो हौं नूं पक्कियां करन दी खुराक है, जिस करके अपने आप नूं बहुत वड्डा अभ्यासी मन बैठता है। इहो जिहा एक चढ़दी जवानी दा साधु राड़ा साहब भी आ गया, जिस दी उम्र तकरीबन 25-30 साल ही सी। शरीर भी चंगा रिष्ट पुष्ट सी, 2-4 साल जल धारे भी कीते सन, धूणियां भी तपाईयां सन, जिस करके गर्मी सर्दी घट मनदा सी। सियाल विच भी शरीर ते इक्को वस्त्र रखदा सी, जिस करके इसका नाम जिहड़ा सी ओह तपसी करके मशहूर हो गया। ये उदासी भेख का साधु सी, इहदा नाम सी तारादास। बहुत समा पटियाले ते नाभे आदि शहरां विच अपने प्रेमियां कोल ठहरदा जां कदे तीर्थ यात्रा करन चलिया जांदा। उसने भी इस अस्थान की महिमा सुनी ते दर्शनां नूं इसका जी लोचिया ते माघ दे महीने आ पुज्जिया। उत्थे 2-3 दिन ठहर के जदों इत्थे दी मर्यादा देखी ता मर्यादा बड़ी पसंद आई, सोहना जी लग गया ते कुछ समा इत्थे टिकण दी विचार इहने बना लई। रोज़ सवेरे 2 बजे जाग के संगत दे नाल ही बाहर नहर दे कंढे बैठिया करे ते रात नूं भी नाल ही 11 बजे तक बैठिया करे। कई दिनां तों बाद इस दे मन दे विच कीती हुई तपस्या दा कुछ माण आ गया। ख्याल कीता, मेरा तां बैठण दा काफ़ी अभ्यास है, कई कई घंटे इक्को चौंकड़े विच मेरे लंघ जांदे हन, कोई अंग भी नहीं मैं हिलाउंदा, इहनां ते क्यों ना अपना प्रभाव पावां, असर पावां। इउं जाण के रोज़ ही सिंघां दे कोल आख्या करे कि तुसीं रात नूं घंटा क बैठ के मुड़ आउंदे हो, की दाई हाथ लाउण जांदे हो। जिथे एक वारी चौंकड़ा वज गया फिर सूरज चढ़े तक किस तरह खुल जावे, यह तुहाडा कादा भजन है। जांदे हो घंटा खंड बैठ के मुड़ आउंदे हो, बिस्तरियां विच सौण लई घर छड्डिया है, जां भजन सिमरन करन वास्ते आए हो। साधु की ते रात नूं सौणा की, तुसीं तां झट आ के सौं जांदे हो। पहलां तां कई दिन सिंह चुप रहे, फिर एक दिन दोहां महापुरखां दे बैठियां संत जी महाराज दे कोल इन्हां ने बेनती कीती, कहिंदे महाराज एक नांगा साधु आया है, वो कहिंदा है तुसीं तां छेती मुड़े आउंदे हो, सारी रात बैठिया करो। तां छोटे महाराज संत किशन सिंह जी कहण लगे, कहिंदे कोई नहीं उहदे नाल असीं बैठिया करांगे। फिर उसे शाम नूं उहनूं बुला लिया, कहिंदे संत जी होर तां सारे जिहड़े सेवादार प्रेमी हन इहनां दीआं ड्यूटियां हुंदीआं ने, लांगरी ने भी दिने प्रशादे तैयार करने हुंदे आ, माल डंगर संभालण वाले प्रेमी भी दिने अपनी सेवा ते जांदे आ, ग्रंथी सिंह ने भी गुरु दरबार विच झाड़ू बहारी ते महाराज की सेवा करनी हुंदी आ, सो इदां करो तुसीं मेरे नाल बैठिया करो। ये गल सुन के वो तपस्वी बड़ा प्रसन्न होया, कहण लगा मैं तां आप चाहुंदा सी कि इस स्थान की सिफत तां बड़ी सुनी दी है, पर सारी रात बैठण वाला इन्हां विचों कोई दिसदा ही नहीं है। छोटे संत जी महाराज बोले, कहिंदे एक शर्त है,
कि आपां दोवें इक्को ही जगह बैठिया करांगे, जो कुछ खाना है वह भी इक्को जिहा छकांगे, जो पीना है वह भी इक्को जिहा, इकट्ठियां ने इशनान ते होर किरिया ते जाना है। ये सारियां गल्लां वह संत मन गया। फिर संत जी ने हैड लांगरी श्रीमान नूं बुला के सारी गल समझा दित्ती कि असीं अठीं पहरी प्रशादा छकिया करांगे, साढ़े वास्ते केवल एक एक छटांक आटे दे इक्को जिहे दो दो फुलके तैयार कर दिया करो, सवेर दे वक्त एक गिलास लस्सी दा ये पिया करांगे, शाम नूं कुछ नहीं छकना। लांगरी ने सत बचन कह दिता। उस दिन तो नियम बना लिया। होर तां संगत रात दे 11 बजे वापस आ गई, पर संत जी किशन सिंह जी ते वो संत दोवें इक्को चौंकड़ा मार के सवेर तक बैठे रहे। केवल घंटी बजी तो 2 बजे उठ के शरीर की किरिया ते इशनान किया, फिर उस जगह बैठ गए आके। सवेरे एक गिलास लस्सी का पीता, फिर बाहर नूं चले गए। दुपहरे एक छटाक आटे दे दो दो फुलके छके, फिर बाहर नूं तुर पए। दूजी शाम फिर इसे तरह बैठे। कमरे विच ना संत जी आप वड़े ना उन्हूं जान दिता। इस संत की खुराक काफ़ी सी, वो खुराक नाल चंगी तरह पेट भर के बैठदा ते बैठे नूं नींद आ जांदी, सौं जांदा सी। पर छोटे संतां दे अंदर सी सच्चाई, वो ना तां कुछ वखरा आप छकदे ते ना इहनूं वख जाण दिंदे, ना आराम आप करदे ना इहनूं कर लैंदे। तीजी रात जद आई तां इह काफ़ी तंग आ गया, पर फिर भी हठ करके नाल ही फिरदा रहा। इसने कई बारी बैठिया ही सौण की कोशिश की। चौथी रात को संत जी ने अपनी इहदी बांह एक रस्सी नाल बन ली ते थोड़े जे फासले ते बैठ गए। जद इह सौण वास्ते नीमी पावे तां संत जी रस्सी खिंच लैण, इउं बैठिया भी आराम ना कर सके। उह ना खाण नूं पूरा राशन मिले, क्योंकि महाराज भी घट छकते सी, जिन्ना आप छकते सी उन्ना ही इहनूं छकण नूं दिंदे सी। इदां मजबूरी दी हालत विच 8 रातां ते 8 दिन बीते। संत जी महाराज भी नाल ही रहे, ना वख होण दिता ना कुछ खाण पीण दिता। अखीर नूं 192 घंटिआं तों बाद उहने संत जी महाराज दे चरण फड़ लए। कहण लगा, महाराज मैं बाहरों तुहाडी सिहत सुन के देखण आया सी, हुण मेरे मन विच पूरा विश्वास हो गया, जो कुछ सुनिया सी उहदे नालों वध अपनी अखीं देख लिया, ये मेरी गलती सी जो मैं तुहाडी संगत करन वाले सिंघां दे उत्ते तर्क कीती, शंका कीती, बई इस वक्त ही आ के सौ जांदे आ, पर ये तुहाडी जिहड़ी मर्यादा है ये ठीक है, मैं गलत सी, मेरे मन विच मैनू अपनी तपस्या का माण हो गया सी, पर हुण आप जी की कृपा नाल ये माण जिहड़ा मेरा दूर हो गया है। साधु की संगत हर एक दे मन का जिहड़ा माण है वह मेट दिंदी है। संत जी कहिंदे तेरी मर्जी है, जे कुछ दिन होर बैठना है तां बैठ लै भाई, साडा तां काम ही इहो है, भजन करना ते कराउणा। होर जिम्मेवार सज्जणा ने अपनियां ड्यूटियां भी करनियां हुंदियां ने, इस करके रात नूं 3 घंटे ते दिन नूं 1 घंटा आराम करदे हन, केवल 4 घंटे आराम करदे हन, बाकी भजन सिमरन ते अपनी सेवा दियां ड्यूटियां। जेकर लांगरी भी इसे तरह तुहाडे कोल बैठा रहे फिर लंगर कौन तैयार करूगा, होर ड्यूटियां वाले सज्जणां दा काम किदां चलूगा। सो इसने शाम नूं भी दीवान दे समें खड़े होकर संगत दे कोलों माफ़ी मंगी।
ते वड्डे संत जी महाराज तो भी भुल मन के माफ़ी ली। फिर इत्थे तकरीबन 6 महीने रहा, रात नूं भी संगत दे नाल भजन करदा, दिने होर सेवा भी करदा। दोवें वेले सुबह ते शाम गुरु दरबार विच कथा कीर्तन दे समय हाजरी भरदा। फिर छुट्टी लैके चलिया गया ते होर थावां ते स्थानां ते राड़ा साहब की महिमा करता रहा। यह होर भी बहुत सारे प्रेमी इतों की मर्यादा ते तपस्या देख आते, पर जान समय बहुत प्रभावित होके जाते, क्योंकि इतने की जी तपस्या सी वो बहुत कठिन सी। सवेरे इशनान करने तो बाद गर्मी हो चाहे सर्दी, सारे ही प्रेमी संत जी महाराज के नाल नहर के कंढे चले जाते, चौंकड़े मार के एकाग्र मन द्वारा सिमरन में जुड़ते। पूरी सर्दी में भी उपर केवल एक चादर होंदी सी, जे किसी नूं आलस आउंदी तां फिर तुर के बाणी का पाठ करन लग जांदा। फिर गुरु दरबार की हाजरी, सूर चढ़े ते लंगर की घंटी वजदी, जल पानी छक के फिर बाहर नूं तुर पैंदे। 4-5 मील के एरिए खिंड के विचरदे। दोपहर के समय प्रसाद छक के केवल 1 घंटा आराम करते, फिर पिछले पहर बाहर नूं तुर पैंदे। शाम के वक्त जदों रहरास की घंटी वजदी, रहरास की घंटी वजदी, फिर वापस मुड़दे। शाम नूं लंगर तां तैयार हुंदा, घंटी भी वजाई जांदी, पर उहदे विच सिर्फ बाहरले यात्रू प्रसादा छकदे सी। जिहड़े स्थान ते रहण वाले प्रेमी सी इह तां 8 पहरी केवल दुपहर दे समय प्रसादा छकदे, जां फिर बाद विच सवेर दे समय हाजरी पक्कण लग पई, उह वी सवेर दे समय लस्सी दे नाल हाजरी दा प्रसादा मिस्सा छक लैंदे। उह वी कम वाले छकदे जां बाहरले मुसाफर छकदे सी। भजन सिमरन करन वाले गुरमुख तां केवल लस्सी ही पींदे सी, चाह भी कोई कोई प्रेमी छकदा सी, आम नहीं सी छकदा कोई भी, बनदी तां रोज़ सी। इहो 8 पहरां दी मर्यादा इस तरह एक रस चलदी सी। जिस तरह चुंबक जिहड़ी हुंदी है लोहे दे निक्के निक्के जर्रियां नूं इकट्ठा कर लैंदी है, इस तरह संत जी महाराज की तपस्या अते कठन घालना ततिख्या सुन के लंगर की मर्यादा देखने वास्ते बहुत सारे महात्मा पूजते, जिन्हों का थोड़ा जिहा वेरवा इत्थे दसना जरूरी समझा जा रहा है। संत बाबा आनंद सिंह जी पिशौर दे इलाके दे महापुरख निहंग सिंह सजे हुए सन, उम्र 50 साल के करीब सी। गुरु के लंगरां विचों राशन लैके केवल 8 पहरां दे बाद रात दे 12 बजे एक बारी तैयार करके छकदे सी। संत जीवन सिंह जी बरागत, ये संत मस्तुआने वाले महाराज जिया का सेवक ते योगाभ्यासी सी। बरागत इतना तिखा सी कि छत्ते हुए मकान थले बहिंदा नहीं सी। तेड़ एक कशहरा, सिर ते एक खद्दर दा अद्धे गज दा परना, पैरों ते गलों नंगा, पास एक मिट्टी दा प्याला रखदा। संत जी महाराज दे नाल दसम द्वार संबंधी बचन बिलास करिया करदा सी। बाबा जवाहर सिंह, ये कटाणे पिंड दा बाबा राम सिंह नामधारी बजुर्गां दा सेवक सी। पहला वड्डे संतां समय रेरू साहब भी आउंदा रहा, फिर राड़ा साहब आउण लग पिया। शरीर बिरध सी पर मन हर वेले चढ़दी कला विच रहिंदा सी। गर्मियां सर्दियां विच इक्को ही बोरी दा झुल हुंदा, उस नूं किसे ने रात नूं कदे सुत्तियां पिया नहीं सी देखिया, सारी रात तुरिया ही रहिंदा। बेपरवाह इतना सी कि दोवें महापुरख संत ईशर सिंह जी ते संत किशन सिंह जी महाराज तो बिना किसे होर दे नाल गल नहीं सी करदा। जे कोई पुछे उस नूं दसना ही कुछ नहीं, बस इक्को ही गल कही जानी, आपे आप है, आपे आप है, आपे आप है।
यही आखी जाते सी। ये चंगी नेष्ठा वाला शक्ति संपन्न साधु सी। आने वाले समय के भविखत वाक दसी जाता सी पर समझाउंदा किसी नूं कुछ नहीं सी। फिर एक संत मोनी जी, संत मोनी रण सिंह, एक कुहाड़े दे पास पिंड जंडाली दा सी जो लुधियाने तो समराला रोड ते कटाणी कलां दे कोल है। ये बोलदा किसी नाल उका ही नहीं सी। दिने लोग छिप के समा बतीत कर लैंदा कि लोग बुला ना लैण, रात नूं राहां विच तुरे रहना। ये भी काफ़ी चिर इत्थे ढक्की दे विच रह के गया। फिर ऋषि मूल सिंह, ये बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वालियां दा सेवक सी, पिशौर दे वसनीक खत्री घराने दा सी। ये वड्डे संतां दे समें रेरू साहब आया करदा सी, चंगी नेष्ठा ते निम्रता वाला सी। सो बाबा सुच्चा सिंह जी, इन्हां दा पिंड मानसा मंडी दे कोल भीखी कलां लिखिया है। बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दे सेवक साने भी। सो ज्ञानी सुंदर सिंह जी बरागत, जो जैतों दे पास रामियाने पिंड काफ़ी समा ठहरे सन, अते दसम पातशाह महाराज दे आउण दी यादगार विच इन्हां ने स्थान भी बनवाया। ये भी बड़े महान महापुरख ते ब्यासी सन। पंडित मान सिंह जी दमदमईए, ये संत महाराज संत बाबा अतर सिंह जी अतले वालियां दे सेवक सन। उन्होंने इन्हां नूं हरिद्वार भेज के, कांशी भेज के पढ़ाया सी, ते बहुत विद्वान होण करके इन्हां नूं पंडित जी सद्दे सी सारे। संत अतर सिंह जी अतले वाले ये भी कई दिन राड़े दी ढक्की विच रह के इत्थे दी मर्यादा देख के गए। पंडित प्रेम सिंह जी हरिद्वार वाले, लंडे पिंड दे पंडित मताब सिंह जी, ज्ञानी भोला सिंह जी, रागी संत सिंह जी, प्रेमी संत इंद्र सिंह जी, ज्ञानी नारायण सिंह जी विद्या मारतंड, संत बिशन सिंह जी हरखवाल वाले, सो संत बिशन सिंह जी कांजले वाले, बाबे बकाले तो निहंग बाबा गुरमुख सिंह, ज्ञानी बरियाम सिंह जी धूरकोट संगरूर वाले, ज्ञानी साधु सिंह जी, संत अर्जन सिंह जी चठियां वाले, संत साधु सिंह जी ते ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी ठक्कर वालिए, संत शमशेर सिंह जी रागी गुड़ियां वाले, रागी पाखर सिंह जी आलमगीर, रागी बसंत सिंह जी कलाड़, भगत साहिब सिंह जी, संत हरी कमल जी, संत कृपाल सिंह जी छन्ना वालियां दे पिता संत बाबा श्याम सिंह जी भी इत्थे आए। सो इस तरह नाल ये कुछ क महापुरख जिन्हां ने राड़े साहब की महिमा सुनी, इत्थे दी मर्यादा बारे, इत्थे दे लंगरां बारे, संत महाराज जी की तपस्या बारे, तो वह सारा कुछ देखण वास्ते इत्थे समय समय अनुसार ये सारे महापुरख ते साधु गुरमुख जन आउंदे ते कुछ समा इत्थे रह के इत्थे दी मर्यादा देखदे, कोई दस दिन, कोई महीना, कोई दो महीने, कोई छे महीने, जिदा जिदा परमेश्वर वल्लों इन्हां नूं प्रेरणा हुंदी, इत्थे दी मर्यादा देख के इत्थे दी सेवा और सिमरन दी ये चाली वेख के बहुत प्रसन्न हो के इत्थों जांदे। तो इस प्रकार जो अगे वार्ता सरदार ज्ञान सिंह जी राड़े पिंड वाले जिन्हां दे प्रेरणा सदका संत जी महाराज इत्थे आए सी, महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह दा मामा लगदा सी। संत महाराज राड़ा साहब वालियां तो उपदेश लै के अमृत वेले जाग के सिमरन करदे सी, ते कर्मसर आ के शरदा नाल महापुरशां दी संगत करदे ते दीवान सुनदे। इन्हां दे उदम नाल ही अज राड़ा साहब जिथे ढक ते पलाहां दे झुंड तो बिना कुछ दिसदा नहीं सी, दिन दे समय भी इकले दुकले मुसाफर नहर दी पटड़ी ते घट आउंदे सन, अज प्रतख मात लोक उत्ते बैकुंठ जिवें कश्मीर दा स्वर्ग कहा जाता, ये सीनरी जिहड़ी है वह नमूना दिस रहा है।
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 1931 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਢੱਕੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡ ਛੀਨਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਤ ਵੀ ਛੀਨਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੂਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। 5 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੇਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਪਟੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਸਿੰਧ ਕੋ ਕਰ ਸਰਤਾ ਸਿਉਂ ਸੰਗ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜਾਦਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
हजूरिए सेवादार गुरबचन सिंह भाई जी होर साजी ते पाठी सिंह समेत आप जी धौखल दी बस ते सजादपुर पुजे जो अंबाले तो 18 मीलों ते राजपुरे तो अगे नारायणगढ़ तहसील विच है। इत्थे महाराज जी 3 दिन ठहरे, दीवान सजे, अखंड पाठ किया और आनंद कारज भी करवाए। बेटी दे घर वाले प्रेमियों ने बड़ी भावना नाल सेवा की। जदों पटियाले दी संगत नूं आप जी दे इधर जाण दा पता लग्या तां दो सेवादार बेनती करन वास्ते सजादपुर भेजे कि वापस आउंदिआं पटियाले सानूं दर्शन बख्श के जाने। हजूर ने इन्हां दी भावना तक के बेनती प्रवान कर ली ते वापस आउंदिआं 3 दीवान 9वें पातशाह जी दे महाराज जीआं दे पवित्र स्थान गुरद्वारा दूख निवारण साहब विखे कीते। मगर सुदी पंचमी का शहीदी पुरब सी। तिलक जन्यू राखा प्रवता का कीनो बड़ो कलू मैं साका। सो इस प्रकार महाराज जिया ने उथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिया की शहादत दे बचन सुनाए। तो जदों संत जी महाराज गुरु साहब की शहादत का इतिहास सुना रहे सी तां जिहड़े स्रोते सन उन्हां सभनां दे नेत्र सज्जल सन। एक इतिहास ते एक सुनाउण वाले पूर्ण कमाई वाले महापुरख तां बैकुंठ दा आनंद बनिया होया सी। 1932 ईस्वी दे अगस्त महीने जदों पटियाले दे सरकारी दफ्तरां विच छुट्टियां हुंदियां ने, सरदार ज्ञान सिंह ने बेनती की, महाराज आप जी कृपा करके मसूरी दर्शन बख्श दिओ। आप जी ने उत्थों दे पुन्नी पुरशां दी परलब्ध नूं तक के मंसूरी जाण दी मंजूरी दे दित्ती। एक दो सेवादारां समेत जिन्हां विच हजूरीए सेवादार बाबा नार सिंह जी, बाबा हीरा सिंह जी, मोता सिंह जी, बंता सिंह जी कढ़ाणी वाले, इन्हां नूं नाल लै के करमसर तो सरदार ज्ञान सिंह दी भेजी हुई गड्डी विच सवार हो गए। उधरों समेत परिवार के सरदार ज्ञान सिंह, उसका रिश्तेदार जगजीवन सिंह, सुखदेव सिंह नाजम, सुखदायक सिंह, ये आप जी के नाल देहरादून पुजे। इत्थे सरदार विशेषर सिंह कढ़ूए ने सो महापुरखां नूं रात उत्थे विश्राम करवाया। परिवार ने बड़े उत्साह नाल सेवा की। दूसरे दिन सवेरे टैक्सियां लै के मंसूरी पुजे। सरदार ज्ञान सिंह ने तां किताब घर दे एरिए विच किराए दे होटल विच कमरा लिया सी, उत्थे ठहर गया। संत जी महाराज वास्ते एक राणी बलवंत कौर सो उहदी उच्ची कोठी सी, वह कोठी पुछी हुई सी, उस कोठी दे विच महाराज जी की रहायश करवाई। आप जी इत्थे 1 महीना ठहरे, 2 वक्त कोठी दी ग्राउंड विच ही कीर्तन करदे। सेवा सरदार ज्ञान सिंह दे परिवार ते होर सज्जणां वल्लों भी हुंदी रही। आप जी ने इस जगह परमेश्वर दे नाम दी महिमा दा वर्णन कीता कि चारे जुगां विच ही परमेश्वर दे नाम दी वडियाई है। जिस वक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज समुंदर उपर दी चले जाते सन तां उस समय नारद मुनि आ के मिलिया, बेनती की गरीब नवाज। आप जी ने सतयुग दे विच ब्रह्मा प्रति द्वादश महावाकां दा उपदेश किया, उहदे नाल किन्ने जीवां दा उद्धार होया। फिर त्रेते युग विच आप जी ने जीवां दी उम्र अते बुद्धि जिहड़ी सतयुग दे नालों घट जाण के मनु राजे द्वारा सिमरतियां उचारियां, नाम दा सिमरन अते जग करन दा उपदेश दे के बेअंत जीवां उतारिया। फिर द्वापर युग आया, बुद्धि घट गई, उमरां घट गईयां, फिर जग करन दा उपदेश और भजन ते पूजा जिहड़ा दृढ़ करवाया, इहदे नाल भी बहुत जीव तरे। हुण कलयुग दे समें विच जीवां दी उमर
बहुत घट गई ते बुद्धि भी बहुत थोड़ी रह गई है। शरीर भी कमजोर अते विषयां दे विच प्रवृत्त हो चुके हैं। उन्हां दी कल्याण वास्ते जो तुसी सुंदर बाणी का उपदेश दिता है, सो जो संगत विच मिल के बाणी उचारण करिया करनगे, उन्हां सारिआं दा जो भरम है वह दूर हो जाएगा। सो इस तरह संत जी महाराज जन्म साखी दे विचों होर भी प्रमाण दिया करदे नाम दे प्रति, बाणी दे प्रति। सो इत्थे समा बीतदा गया। जदों इन्हां अफसरां दी छुट्टी पूरी होण लगी, फिर आप जी उस तरह एक रात वापसी ते देहरादून ठहरे। अस्सू दी संगरांद तो एक दिन पहला राड़ा साहब दी पवित्र धरती ते संगत नूं आके दर्शन बख्शिश कीते। इसे तरह हजूर महाराज ने शिमले दी यात्रा कीती, शिमले भी दीवान सजे। सो महापुरखां दे प्रति जो बाबा बुद्ध सिंह वर्गे साधुआं ने, पंडित करतार सिंह वर्गे विद्वान ज्योतिषियां ने जो वचन किए सी भी इन्हां दी परालब्ध जिहड़ी बहुत दूर दूर तक है, वो सारे बचन सहजे सहजे सच होने शुरू हो गए। और जिथे जिथे महापुरखां नूं संगत दी परालब्ध प्रेरदी, प्रेमी जन आ के बेनतियां करदे, तां संत जी महाराज उत्थे जा के दीवान सजाउंदे। पर जो एक निजम सी बई माया नूं सारी जिंदगी महापुरशां ने हाथ नहीं लाया, माया दे प्रति महापुरश निरलेप रहे। जिवें संत जी महाराज वड्डियां दे चरणां दे विच रह के, संत रेरू साहब वालियां दे चरणां विच रह के जो महापुरखां ने उपदेश प्राप्त कीता सी, अखीरले समय तक महापुरश उस उपदेश की कमाई करते रहे ते संगतां नूं करवाउंदे रहे। सो वड्डे भाग हन अपने सारिआं दे जो ऐसे पूर्ण महापुरखां दा जीवन विचारन दा समां आपां नूं प्राप्त हो रहा है। सो इस तों अगलियां जिहड़ियां विचारां हन, आपां जिवें महाराज कृपा करदे आ, जिवें प्रेरणा बख्शदे हन, सो उसे प्रकार आपां अगलियां विचारां आउण वाले समें दे विच सरवण करदे रहांगे। महाराज मेहर करन महापुरखां दे पवित्र जीवन दे विचों उहनां दी कठन घालणा दे वचन सुणदिआं होइआं साढ़े मन में भी प्रेरणा महाराज बख्शिश कर, आपां भी रल के परमेश्वर का भजन कर सकी ते अपना जीवन सफला कर सकीए। महाराज सच्चे पातशाह जी इस तरह आपां अपने दरों घरों बरसाए हुए, रंगे हुए महाराज का रूप बन चुके साधुओं की संगत बख्शते रहन, महापुरशां के जीवन की विचार करदियां होइयां बेअंत भुलां की मुआफ़ी बख्शनी जी, अरदास करनी कि महाराज जी इसे तरह अपने चरणों नाल जोड़ के रखण जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।